हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर के हज़ारों कामों में कपड़े फोल्ड करने का काम एक ऐसा काम है जिसमें हम सब कई बार लेज़ी हो जाते हैं और अनफोल्डेड कपड़ों का ढेर बढ़ता जाता है, जिसमें से ज़रूरत के टाइम कपड़ों को ढूंढने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई पर्सनली लाइक टू फोल्ड माई क्लोथ्स एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड फोल्डिंग योर क्लोथ्स एज फोल्डेड क्लोथ्स टेक अप लेस स्पेस, दे डिवेलप लेस रिंकल्स एंड आर ईजी टू ऑर्गेनाइज। हाउएवर, आजकल की बिजी लाइफ में समटाइम्स इट गेट्स रियली हार्ड टू फोल्ड क्लोथ्स और मोस्टली ये एक ऐसा टास्क है जो यूजुअली हम छोड़ देते हैं, जिस वजह से कपड़े इकट्ठे होते जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कैसे इस टास्क के लिए टाइम निकालें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्लोथ्स ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप ईजिली बिना फोल्ड किए कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एक हैबिट डालिए कि सभी मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए एक सेपरेट हैम्पर या बास्केट लगाएं, जिसमें कि सभी कपड़े अलग अलग सॉर्ट करके रख सकें। इससे क्या होगा कि अगर कपड़े फोल्ड करने का टाइम ना भी मिले तो एटलीस्ट सबके कपड़े ऑलरेडी सॉर्टेड हैं और सबको अपने अपने कपड़े खुद ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑल्सो इससे बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे पाएंगे अपने खुद के कपड़े फोल्ड करने की। बिना फोल्ड किए कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ एक हैंगर लिया है, जिसमें मैंने कुछ कर्टन रिंग्स को डाल दिया है। क्योंकि ये रिंग्स अभी स्टेबल नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें क्लियर टेप की हेल्प से हैंगर के साथ अटैच कर रही हूँ। मेक श्योर कि रिंग्स का जो ये ओपन पार्ट है ये सामने की तरफ हो। इसी तरह से सारे रिंग्स अटैच कर लें। अब मैं इसमें ईजिली 12 से 15 इनर्स हैंग कर सकती हूँ। कर्टेन रिंग्स को टेप लगाने से सारे इनर्स अपनी जगह पर रहेंगे और इधर उधर मूव नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि सारे इनर्स क्लियरली विजिबल हैं और इन्हें लेना बहुत ही आसान है और ये मेथड स्पेस एफिशिएंट भी है। टी शर्ट्स को बिना फोल्ड किए ऑर्गेनाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, एज दे कैन डिवेलप रिंकल्स इफ केप्ट अनफोल्डेड। टी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये एक हैंगर लिया है, जिसे मैं ओपन कर लूँगी। मेरे पास यही एक ऐसा हैंगर था, इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया है, बट अगर आपके पास इस टाइप का स्टील का हैंगर हो जिसे लूप से ओपन कर सकें तो इट विल बी बेटर। अब मैंने कुछ बाइंडर क्लिप्स लिए हैं विच आर 25 mm इन साइज़ और मैं इन्हें इस हैंगर के अंदर डाल रही हूँ। सारे बाइंडर क्लिप्स डालने के बाद हैंगर को वापस बंद कर दें। बाइंडर क्लिप्स को भी मैं क्लियर टेप की हेल्प से हैंगर से अटैच कर दूंगी। क्लिप्स को थोड़ा ऊपर करके दोनों लूप्स को अलग अलग क्लियर टेप से अटैच करें, जिससे कि इन्हें खोलना और बंद करना ईजी हो। बाइंडर क्लिप्स को स्टिक करने से ये अपनी जगह से मूव नहीं होंगी और सारी टी शर्ट्स अपनी जगह पर ही रहेंगी। अब मैं इन क्लिप्स पर सारी टी शर्ट्स को हैंग कर रही हूँ। एक बात का ध्यान रखिए कि टी शर्ट्स को नेक की साइड से हैंग मत करिए, एज बाय डूइंग दिस द टी शर्ट मे लूज इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर फ्रॉम नेक एंड शोल्डर्स, एज ये जो पार्ट है ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, इसीलिए मैं इन्हें बॉटम से हैंग कर रही हूँ। इस एक हैंगर पर इजीली 8 से 10 टी शर्ट्स हैंग की जा सकती हैं। ये आइडिया भी स्पेस एफिशिएंट है और सारी टी शर्ट्स क्लियरली विजिबल हैं और किसी भी टी शर्ट को लेना या वापस रखना काफ़ी इजी है। टी शर्ट्स को आप सिंपल पैग्स की हेल्प से भी इसी तरह हैंगर पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। छोटे बच्चों के कपड़े फोल्ड करने में भी बहुत टाइम लगता है। इन्हें बिना फोल्ड किए ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये बास्केट्स ली हैं और इन्हें मैंने इन ड्रॉर्स में प्लेस किया है। अब मैं एक बास्केट में सारे बॉडी सूट्स रख रही हूँ, दूसरी में मैंने सारी पैंट्स और लेगिंग्स डाली हैं, तीसरी बास्केट में मैंने सारी टी शर्ट्स डाली हैं और लास्ट बास्केट में मैंने सारी शॉर्ट्स डाली हैं। इसी तरह बच्चों के सारे कपड़े ईजिली इन बास्केट्स में अलग अलग सॉर्ट करके बिना फोल्ड किए ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं।
इसी तरह अंडरगारमेंट्स और बाकी छोटे कपड़े भी इसी तरह इन बास्केट्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर टू कीप द सॉक्स इन पेयर्स। इन बास्केट्स में आप हैट्स, बीनीज, ग्लव्स और बेल्ट्स वगैरह भी इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइज करना यूजुअली काफी डिफिकल्ट होता है। यूजुअली सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो अंडरगारमेंट, सॉक्स या बाकी छोटे छोटे कपड़ों को फोल्ड करने में लगता है। इन कपड़ों को बिना फोल्ड किए ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ये फैब्रिक बास्केट्स विद डिवाइडर्स यूज़ कर सकते हैं। इनमें इजीली इन कपड़ों को बिना फोल्ड किए अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि सॉक्स की जोड़ी को हमेशा क्विकली फोल्ड करके एक साथ रखें ताकि इन्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। छोटे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप एक बड़ी बास्केट या बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ये एक फैब्रिक बास्केट यूज़ की है और अब मैंने बॉक्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये दो कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं और इन्हें मैं बीच में से हाफ वे काट कर एक दूसरे के साथ जोड़कर बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, जिससे कि ये डिवाइडर्स की तरह बन जाएंगे और अब ईजिली ये सारे छोटे कपड़े बिना फोल्ड किए आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Again, it's really important to keep the socks in pairs so you don't waste your time in finding the right pair of socks. Normally, jeans और woolens को अगर बिना fold किए भी रखा जाए तो वो wrinkle नहीं होते। इन्हें बिना fold किए organize करने के लिए मैंने ये एक large fabric basket ली है और अब मैं सारी jeans और woolens बिना fold किए just quickly roll करके इसमें डाल रही हूँ। ऐसे roll करने से ये थोड़ा कम space लेंगे और easily visible भी हो जाएंगे। Just make sure to use separate baskets for separate types of clothing. जीन्स को फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए अगर आप जीन्स को क्विकली फोल्ड करके स्टैक करके बास्केट में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन बास्केट्स को शेल्फ पर या कबर्ड में रखें तो ये काफ़ी सुंदर भी दिखेंगी। ऑल्सो जस्ट मेक श्योर टू लेबल देम सो ऑल द फैमिली मेम्बर्स कैन ईजिली आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्सेज। इस टाइप की स्टोरेज शेल्व्स फैब्रिक स्टोरेज बास्केट्स के लिए परफेक्ट होती हैं, तो अगर आप कपड़े बिना फोल्ड किए स्टोर करना चाहते हैं तो इन स्टोरेज शेल्व्स में इन्हें परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसी तरह जीन्स और वूलन्स को ड्रॉर्स में भी बिना फोल्ड किए रोल करके रखा जा सकता है। जस्ट मेक श्योर टू यूज सेपरेट ड्रॉर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग। जैसे यहाँ मैंने हाफ स्लीव्स के स्वेटर एक ड्रॉर में, फुल स्लीव्स दूसरे ड्रॉर में और जीन्स इस अलग ड्रॉर में रखी हैं। मैंने ये सारे नाइट वेयर्स को भी इसी तरह रोल करके इन ड्रॉर्स में रखा है। दुपट्टे, स्टॉल्स और स्कार्फ्स को फोल्ड करने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इन्हें बिना फोल्ड किए ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये 5-tier पैंट हैंगर लिया है जो कि काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मैं सबसे नीचे वाली साइड से दुपट्टे हैंग करना शुरू कर रही हूँ और एक एक करके मैंने ये सारे दुपट्टे ईजिली इस पर हैंग कर दिए हैं। सारे दुपट्टे क्लियरली विजिबल हैं और इन्हें लेना भी काफ़ी ईजी है और ये आइडिया काफ़ी स्पेस एफिशिएंट भी है। इसी तरह से आप दुपट्टों या स्कार्फ्स को हैंगर पर कर्टेन रिंग्स की हेल्प से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो DIY स्कार्फ हैंगर भी बना सकते हैं, जिसे बनाने के लिए मेरे चैनल पर आप DIY स्कार्फ हैंगर की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पैंट हैंगर की हेल्प से लेगिंग्स को भी बिना फोल्ड किए हैंग किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऐसे कपड़ों की जिन्हें हम बिना फोल्ड किए नहीं रख सकते, जैसे कि शर्ट्स और ट्राउजर्स। इन कपड़ों को आयरन करके हैंगर्स में टांग दें या अगर आप इन्हें पहनने से एकदम पहले आयरन करते हैं तो भी इन्हें हैंग करके ही रखें, जिससे कि इनमें ज़्यादा रिंकल्स ना पड़ें और आयनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसी तरह ड्रेसेस और जैकेट्स को भी हैंग करके ही रखें।
अगर आपके पास इनफ हैंगिंग स्पेस है तो जीन्स को भी हैंग करके रखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वीडियोज टू मेक एज आई हैड टू कम्प्लीटली एम्प्टी आउट माई वार्डरोब अ फ्यू टाइम्स टू मेक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग।